हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज संगीता एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। आज मैं रक्षाबंधन मेकअप लुक शेयर किया है आप लोगों के साथ। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज मैं कोई भी ब्रशेस यूज नहीं किया है, आप देख ही सकते हो। मैंने एक ब्रश यूज़ किया है सिर्फ दो चीज़ लगाने के लिए, और मैं आज कोई फाउंडेशन, कोई कंसीलर, मैं कुछ भी यूज़ नहीं किया है। सिर्फ एक बीबी क्रीम से मैं एक प्रेजेंटेबल लुक शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आज मैं बहुत नेचुरल न्यूट्रल मेकअप किया है, और मेकअप भी नहीं है, सिर्फ दो तीन चीज़ यूज़ करके, दो तीन चीज़ मैंने बहुत कम बोल दिया, मैंने कुछ ही प्रोडक्ट्स यूज़ करके ये लुक अचीव किया है। आप लोगों को आई होप पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और आप अगर चाहते हो तो मेरी सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे। एंड नाउ चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाय, सो मैं आज NYV की प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, और मैं एक ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, इसको मैं थोड़ा सा लेके नोज़ पे और पूरी फेस पे अप्लाई कर दूँगी। अच्छे से अप्लाई करना नोज़ के अराउंड, क्योंकि मेरी जो स्किन टाइप है ऑयली स्किन है। और देन मैं आज कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं आज लैक्मे की बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। लैक्मे 9 to 5 बीबी क्रीम मैं पूरी फेस पे डॉट डॉट करते हुए अप्लाई कर दूँगी, एंड देन मैं फिंगर की मदद से इस पूरी फेस पे ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से। एंड थोड़ा कवरेज के लिए मैं उसी बीबी क्रीम को ही थोड़ा सा लेके मैं अंडर आई पे प्लेस कर दूंगी, एंड देन मैं फिंगर की मदद से पूरी फेस को ब्लेंड कर दूंगी। आज मैं कोई कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ नहीं किया है, तो मैं आज मेबलिन की फिट मी लूज पाउडर यूज़ किया है इन द शेड मीडियम आई गेस, या और मैं आप तो डिफरेंस देख ही सकते हो। यस, देन मैं आईज़ के लिए आज यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन की रिलोडेड पैलेट में से ये जो बर्न्ड ऑरेंज शेड है, इसको लेके मैं पूरी आईलिड पे फिंगर की मदद से प्लेस कर दूँगी अच्छे से। मैं फिंगर की मदद से ब्लेंड कर दूँगी। नेक्स्ट मैं कलर एसेंस की लाइनर को लेके मैं स्मॉल विंग लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। पतला विंग लाइनर ही है, मैं विंग लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। देन मैं मेबलिन की मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। 2 से 3 कोट अच्छे से अप्लाई कर देना, लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर देना। और मैं ये जो तीनों शेड है, इस तीनों शेड को यूज़ करके मैं मेरी ब्लश अप्लाई कर दूँगी। यही एक ब्रश यूज़ किया है मैंने, पूरी फेस पे अच्छे से ब्लश को अप्लाई कर देना। नोज़ पे, चिन पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, आपकी पसंद, आप नहीं भी अप्लाई कर सकते हो। और मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ माय फेवरेट मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड रोज़ गोल्ड। या मैं आज उतना ज़्यादा हाइलाइटर नहीं यूज़ करी किया है। देन मैं चिक्स पे, फोरहेड पे, नोज़ पे, चिन पे अप्लाई कर दूँगी अच्छे से। एंड देन मैं ब्राउज को फिल करना मैं भूल गई थी, इसके लिए मैं ब्लू हेवन की आर्टिस्टो ब्राउ पेंसिल को यूज़ किया है, एंड मैं इनर कॉर्नर को और ब्राउ बोन को हाईलाइट कर दूंगी फिर से। देन मैं पूरी फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा की ऑल टाइम प्रो मेकअप फिक्सर, और मैं पूरी फेस को सेट कर लूँगी। एंड देन मैं मार्स की ये जो पिंकी शेड है, इसको लेके मैं मेरी लिपस्टिक अप्लाई कर दूंगी, और इसको फेड आउट करने के लिए मैं एक कॉम्पैक्ट की मदद से इसको फेड आउट कर दूंगी। एंड दिस इज माय फाइनल लुक। लगा मेरा मेकअप ज़रूर बताना कमेंट करके, प्लीज़ कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो आप लोग मेरे चैनल पे
क्या देखना चाहते हो, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल सो यू गेट्स नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब। और मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है संगीता दत्ता 1202, फॉलो कर सकते हो। और या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई लव यू ऑल, टाटा।